हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं आज भूतनाथ। तो मैं तो एक बार निकल भी चुकी हूँ, बीच में आने की फ़ीस जमा करनी थी, तब मैंने थोड़ा सा भूतनाथ पे शॉपिंग करी थी। बट आन्या मेरे साथ पहली बार जा रही है इतने दिन बाद, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से कहीं भी नहीं हम लोग निकल रहे थे। तो काफ़ी अर्जेंट है, अर्जेंट क्या, आन्या का बर्थडे है, बर्थडे की ड्रेस लेनी है, तो इसलिए आन्या को ले जाना ज़रूरी था, वरना मैं अकेले ही ले आती। लेकिन फिर मैंने सोचा इसकी पसंद की या फिर थोड़ा सा नाप वगैरह भी हो जाएगी अच्छे से। तो ये देखिए, ये हमारे घर के पास है लखानी का शोरूम, वो मैं आपको दिखा रही थी। तो बस हम दोनों लोग जा रहे हैं और मास्क पहन के, बिल्कुल इतना जैसे घुटन सी हो रही थी इतनी गर्मी, लेकिन मास्क पहनना तो ज़रूरी है, इस वजह से पहन भी रखा है हम दोनों ने। तो अभी इधर से हम लोग पैदल ही गए थे भूतनाथ। और ये देखिए, मतलब भूतनाथ पे दुकानें बहुत कम लगी हैं, पहले की तरीके से जो बहुत लगी रहती थी उतनी नहीं है। तो मैं मैट देख रही थी लेकिन फिर ली नहीं मैंने, और बस आन्या की एक ड्रेस ली और थोड़ी बहुत और शॉपिंग करी, एक प्लाजो अपने लिए लिया और करवा चौथ मेकअप के लिए थोड़ा सा सामान लिया जो मेकअप लुक का वीडियो बनाना है। तो ये आन्या ने ही शूट किया, यही शूट कर रही थी, और अंधेरा भी हो गया था इस वजह से, ये मेट्रो स्टेशन है हमारे यहाँ भूतनाथ का, अंधेरा हो गया था इस वजह से ज़्यादा शूट नहीं हम लोग कर पाए, क्योंकि घर से ही देर से निकले थे। आन्या का पेपर था, जब उसने पूरा अपना तैयार कर लिया उसके बाद निकले हम लोग, और पेपर की वजह से ज़्यादा बर्थडे में कुछ किया भी नहीं, लेकिन केक तो कटवाना ही था, ड्रेस लेनी थी। तो ये मैं प्लाज़ो देख रही थी, मैंने एक लिया भी अपने लिए प्लाज़ो यहाँ से, और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। तो मैंने सोचा था कि शॉपिंग दिखाऊंगी, लेकिन मैं इस ब्लॉग में नहीं दिखा पाई शॉपिंग अपनी, क्योंकि फिर मैं एडिट ही नहीं कर पाई, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बर्थडे वाले दिन, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई मैं। तो मैंने सोचा चलो जी इतना अभी डाल देते हैं, बाकी बर्थडे वाले ब्लॉग में आप लोग ड्रेस देख लीजिएगा, और जो शॉपिंग है वो मैं जो अपना बनाऊंगी वीडियो मेकअप का, उसमें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस इसी तरीके से भूतनाथ पे थोड़ी बहुत दुकानें लगी थी, बाकी अधिकतर बंद ही था भूतनाथ। तो ये भूतनाथ का मेट्रो स्टेशन जो दिखा रही थी आन्या, जूम करके दिखाया आप लोगों को, और कॉस्मेटिक की दुकानें जो लगती थी वो दो तो लगी हुई थी जो मेट्रो स्टेशन की तरफ है, बाकी जो जगह जगह कई लगती थी वो नहीं लगी थी। और बस ऐसी हल्की फुल्की सी बनाई। इस टाइम भूतनाथ पे इतनी भीड़ होती है कि चलना मुश्किल हो जाता है पैदल, लेकिन बिल्कुल भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बस थोड़े थोड़े लोग ही दिख रहे थे, और जो भी दिख रहे थे सब मास्क पहने हुए, क्योंकि वहीं पे पुलिस वाले खड़े थे, तो जो भी मास्क वगैरह नहीं पहने था तुरंत थोड़ी थोड़ी देर में वो लोग आ जा रहे थे देखने के लिए। तो मैंने स्लीपर देखा लेकिन फिर लिया नहीं मैंने स्लीपर, बस प्लाजो लिया और एक सेट लिया, और आन्या ने एक बैग लिया है, वो भी आप लोगों को उसके जो बर्थडे गिफ्ट का ब्लॉग मैं एक बनाऊँगी उसमें दिखाऊँगी आप लोगों को। तो बस यही हमारा छोटा सा ब्लॉग है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर कर देती हूँ, फिर उसके बाद बर्थडे ब्लॉग भी बना दूँगी, जो भी थोड़ा सा ये सेलिब्रेशन किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, वैसे भी पेपर चल रहा था ज़्यादा नहीं करना था, और फिर उसके बाद मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई तो और भी कुछ नहीं हो पाया ज़्यादा। तो ये देखिए कितना बिल्कुल सन्नाटा जैसे, थोड़ी भीड़ है लेकिन जितनी होती थी उतनी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो लोग हैं लखनऊ के आसपास जो लोग जाते हैं भूतनाथ, वो लोग भी जानते ही होंगे कि काफ़ी भीड़ होती थी यहाँ पे। यहाँ पे स्टिकर देखा हम लोगों ने लेकिन नहीं कुछ समझ में आया। फिर मैं ये कप और कटोरी का ये पूरा सेट दे रहा था, तो ये ओनली 50 रुपीज़ में दे रहा था, तो मेरे पास बाउल हैं, मुझे कप अच्छे लगे, तो फिर मैंने इससे 4 कप लिए थे, इसने कप दे दिए, बाउल नहीं लिए थे मैंने, तो वो भी 50 में ही दिया, 60 बोल रहा था लेकिन फिर 50 में ही दे दिया। तो बस ऐसे ही ले लिया, मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले लिया, बाकी कप तो बहुत ढेर सारे हैं ये घर पे मेरे पास, लेकिन मैंने ले लिया था, तो वही मैं उससे बोल रही हूँ, वो 60 बोल रहा है, मैंने 50, मैंने कहा 50 का पूरा सेट बेच रहे हो तो 50 में ही दो, तो बोला था नहीं कटोरी और कप का सेट 50 में है ये नहीं देंगे, लेकिन फिर देने को तैयार हो गया था उसने, मुझे 4 कप 50 में दिए, तो ले लिया मैंने। हालांकि जो इस पे जो कलर लगा हुआ वो छूट जाएगा, लेकिन तब भी कांच के प्लेन भी अच्छे लगेंगे, तो इस वजह से मैंने ले लिया।
और ये आन्या ही शूट कर रही है, थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है लेकिन ये पूरा उसी ने, क्योंकि मैं बैग भी पकड़ी हुई थी और फिर ये शॉपिंग भी कर रही थी तो इसी ने शूट किया। ये मांग रहा था 10 रुपये और, मैंने बोला है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि जब 50 में दे रहे हो पूरा सेट तो वो भी 4 था और 4 कप तो 50 में ठीक है, इसलिए मैंने उससे बोला नहीं अब 10 नहीं दूंगी मैं। और फिर ये जो बर्ड का था ये बड़ा अच्छा लग रहा था लेकिन ये उसने काफ़ी महंगा बताया, ये बता रहा था 60 का और 30-30 का ही मिलता है, मैंने ये निशादगंज में एक बार देखा था तो फिर नहीं लिया। भूतनाथ पे वैसे भी थोड़ा कॉस्टली रहता है हर सामान तो नहीं लिया मैंने। और काफ़ी इयररिंग्स वगैरह लगाए रहते हैं भूतनाथ पे लेकिन आज कुछ भी नहीं ज़्यादा लगा था, बस 2 जगह सिर्फ इयररिंग वाले लगाए हुए थे और बाकी जगह पे मास्क ही अधिकतर बिक रहा था। जो इयररिंग्स बेचते हैं वो सब मास्क बेच रहे थे इस समय, वरना यहाँ पे कम से कम नहीं तो 15-20 खड़े होती है इयरिंग्स और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के उनके पास मिल जाते हैं आपको, साड़ी सूट या किसी पे भी वेस्टर्न ड्रेस पे पहन लीजिए आप, बहुत अच्छे अच्छे रीज़नेबल रेट पे मिल जाते हैं। लेकिन उस दिन नहीं लगाया हुआ था, उस दिन सिर्फ और सिर्फ मास्क बेच रहे थे, 2 सिर्फ लगाए हुए थे बस, तो मैंने देखा 1-2 जगह लेकिन फिर ज़्यादा कुछ डिज़ाइन वगैरह नहीं समझ में आई तो नहीं लिया मैंने। ये देखिए जो भूतनाथ की रौनक होती है शाम को वो रौनक नहीं है, बाप रे मास्क लगा है बिल्कुल हालत खराब हो गई है और पूरी खरीदारी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग घर के जा रहे हैं और जो जो शॉपिंग करी है वो आप लोगों को अभी तो हो सकता है इस टाइम ना दिखा पाऊँ, सुबह दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, हाँ नेक्स्ट वीडियो में या फिर सुबह देखते हैं, अगर ये ब्लॉग इसी ब्लॉग में ऐड कर देंगे या फिर नेक्स्ट में दिखाएंगे शॉपिंग क्या क्या शॉपिंग करी है। और पूरे जब से लॉकडाउन लगा है जब से कोरोना चल रहा है हम लोग फर्स्ट टाइम भूतनाथ आए, एक बार मैं आई थी तो एक बार आ चुकी हम तो कभी भी, हाँ आने की फीस जमा करने आई थी मैं, हाँ तभी हम आए थे तो थोड़ा सा आने के लिए स्कर्ट वगैरह ले गए थे घर में पहनने के लिए, बाकी तब से हम लोग मार्केट नहीं आए, ये तो बिल्कुल नहीं आई ये मेरे साथ जब से कोरोना चल रहा है तब से अब हम लोग निकले, वो भी बहुत अर्जेंट था इस वजह से, वरना आज भी ना निकलते, निकलते नहीं कहीं भी। तो चलिए घर पे चल के बात करते हैं।